नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं कि पेट्रोल पंप में आम जनता को कौन कौन सी सुविधाएं बिल्कुल फ्री में मिलती हैं, और अगर पेट्रोल पंप में ऐसी सुविधाएं नहीं दी जाती हैं तो हम क्या लीगल एक्शन ले सकते हैं। नंबर एक, हर पेट्रोल पंप में आम जनता को गाड़ियों में हवा भरने की सुविधा बिल्कुल मुफ्त में मिलती है। इसके लिए पेट्रोल पंप मालिकों को पेट्रोल पंप में हवा भरने वाली इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगानी पड़ती है, साथ ही हवा भरने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करना पड़ता है। नंबर दो, पेट्रोल पंप में आम लोगों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाती है। इसके लिए पेट्रोल पंप में आरओ और वाटर कूलर लगाए जाते हैं। हालांकि इस पानी के लिए पेट्रोल पंप कोई पैसा वसूल नहीं कर सकते, यानी उनको यह सुविधा बिल्कुल फ्री में देनी होती है। नंबर तीन, पेट्रोल पंप को बाथरूम की सुविधा भी देनी होती है, जिसके लिए आम जनता को कोई पैसा देना नहीं होता। इतना ही नहीं, अगर बाथरूम टूटा फूटा या गंदा है तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है। नंबर चार, पेट्रोल पंप में आम जनता के लिए फ़ोन कॉल की सुविधा भी उपलब्ध करानी होती है। पेट्रोल पंप मालिकों को फ़ोन कॉल की सुविधा आम लोगों को बिल्कुल मुफ्त में देनी होती है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपको इमरजेंसी कॉल करनी है और आपके फ़ोन में नेटवर्क प्रॉब्लम है या किसी कारणवश फ़ोन नहीं लग रहा है तो आप पेट्रोल पंप पर जाकर एक कॉल फ्री में कर सकते हैं। नंबर पाँच, हर पेट्रोल पंप के लिए फर्स्ट एड बॉक्स रखना ज़रूरी है। इसमें लाइफ सेविंग्स दवाएं मरहम पट्टी होनी चाहिए। ये दवाइयां एकदम नई होनी चाहिए, यानी एक्सपायरी डेट की दवाइयां नहीं होनी चाहिए। नंबर छः, पेट्रोल पंप में फायर सेफ्टी डिवाइसेस और रेत से भरी बाल्टी भी रखी जानी चाहिए, ताकि आग लगने की स्थिति में उनका इस्तेमाल किया जा सके। अगर पेट्रोल पंप में पेट्रोल या डीजल भरवाते समय किसी तरह की आग लगती है तो इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए पेट्रोल पंप किसी से कोई भी चार्ज नहीं ले सकते। नंबर सात, अगर आप पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाते हैं तो आपको बिल का पूरा अधिकार है। पेट्रोल पंप मालिक या उसका एजेंट आपको बिल देने से इनकार नहीं कर सकता। बिल लेने से सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अगर लेन देन में किसी तरह की कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको सुधारा जा सके। नंबर आठ, हर ग्राहक को पेट्रोल और डीजल की क्वालिटी और क्वांटिटी जानने का पूरा अधिकार है। इसके लिए पेट्रोल पंप मालिकों को व्यवस्था करनी होती है। नंबर नौ, पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल की कीमतों को डिस्प्ले किया जाना चाहिए, ताकि आम लोगों को आसानी से कीमतों का पता चल जाए। पेट्रोल पंप में पेट्रोल और डीजल की कीमत सही होनी चाहिए। अगर बड़ा चढ़ाकर इसकी कीमतें दिखाई या बताई जाती हैं तो इसकी शिकायत भी की जा सकती है। नंबर दस, हर पेट्रोल पंप में शिकायती बॉक्स या रजिस्टर रखना होता है, ताकि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है वह उसमें अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। नंबर ग्यारह, पेट्रोल पंप में पेट्रोल पंप के मालिक और पेट्रोलियम कंपनी का नाम और कॉन्ट्रैक्ट नंबर लिखकर टांगना होता है, ताकि आम लोग कभी भी पेट्रोल पंप मालिक से संपर्क कर सकें। नंबर 12, हर पेट्रोल पंप में उसके खुलने और बंद होने के टाइम का नोटिस टंगा होना चाहिए। इसके अलावा नोटिस में हॉलीडे की भी जानकारी होनी चाहिए। आइए अब आपको बताते हैं किस तरह से शिकायत कर सकते हैं। अगर पेट्रोल पंप में ऊपर दी गई कोई भी सुविधा मुफ्त में नहीं दी जाती है या इसके लिए पैसा वसूला जाता है तो आप पेट्रोल पंप मालिक के खिलाफ शिकायत कर सकते हैं। यह शिकायत pgportal.gov पर जाकर कर सकते हैं। इसके अलावा जिस पेट्रोल कंपनी का पेट्रोल पंप है उससे भी शिकायत कर सकते हैं। इसके लिए आप संबंधित पेट्रोलियम कंपनी की वेबसाइट पर जाकर ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट नंबर ले सकते हैं। धन्यवाद।